ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि हमने जो लड़ाई शुरू की है, ये लड़ाई, ये सरकार जो आई है, जो हमारे विचारधारा और जो डाइवर्सिटी है उसको खत्म करना चाहती है, तो हम उस डाइवर्सिटी को जिंदा रखेंगे, हर एक कैंपस पे जिंदा रखेंगे, चाहे वो जेएनयू हो, डीयू हो या कोई और कैंपस हो। हम इसको विश्वास दिलाना चाहते हैं आपको, और हमारे हमारे शरीर में जब तक एक एक कतरा बचा रहेगा तब तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, और जिस भी कैंपस में है हम उसको सुरक्षित करने का काम करेंगे। और हम नरेंद्र मोदी को बता देना चाहते हैं कि महाशय आप आ जाइए, 2019 में हम आपको खेल दिखा देंगे कि हम क्या कर सकते हैं। अगर बीएचयू में आप घुस गए तो कसम, जो हमारी माँ है, जो हमारी बहनें हैं, जिसके साथ छेड़खानी हुई है, या तो हम रहेंगे या आप रहेंगे, उस अगर बीएचयू सामने खदेड़ करके नहीं भगा दिया नरेंद्र मोदी को, तो हमारा नाम नहीं, हमारा अस्तित्व नहीं। ये जो लड़ाई है वो किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, कोई औरत और महिला की लड़ाई है, किसी पुरुष की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हमारे संघर्षों की लड़ाई है, ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। अगर हम इसको आज हार गए तो हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, और हम इसको इसलिए लड़ेंगे कि हमें हमारा अस्तित्व बचाना है। तो साथियों, इसके साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ, और हम इस चीज को कहना चाहते हैं आपसे कि जितने भी लोग हैं, जितने भी यूनिवर्सिटी है, वो हमारी सॉलिडारिटी में है, और हम इस लड़ाई को आगे रखेंगे। हमें इसमें आपकी सहयोग की बहुत जरूरत है, और आप लोगों का सहयोग पूरी दुनिया से और पूरे भारत से हमें मिल रहा है, और इसकी हमें उम्मीद पड़ेगी। और जब भी जरूरत करे, हम जब भी आपको बुलाएं, प्लीज हमारे कॉल पर आइए। जय हिंद, जय भारत।